और आपसी सहमति से सेक्स के लिए न्यूनतम आयु के प्रस्तावित कानून पर देश भर में अब बहस छिड़ गई है। बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग ने कहीं इसका स्वागत किया है तो कहीं इसको लेकर ढेरों आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। कानून की किताब में एक और पन्ना जोड़ने की तैयारी है, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि मुद्दा बेहद नाजुक है। बहस ये है कि 18 से कम उम्र में सेक्स के लिए रजामंदी जुर्म हो या हक। कई पेचीदगियां हैं, सामाजिक माहौल, मानसिक और शारीरिक बदलाव और जिज्ञासा। सवाल ये है कि भारतीय परिवेश में पले बढ़े बच्चों के लिए ये कानून क्या असर डालेगा। अलग अलग कारणों से कुछ ने इसका स्वागत किया है तो कुछ ने इस पर आशंकाएं जताई हैं। वैज्ञानिक रूप से कि शारीरिक क्षमता अपनी जो होती है 18 वर्ष के बाद ही एक स्त्री अगर माँ बनती है, एक बालिका माँ बनती है तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, और अगर उसके पूर्व में ऐसे संबंध बनने लगेंगे तो चाहे अनचाहे गर्भ को हमारे देश में स्थितियां बनेंगी, गर्भपात की स्थितियां बनेंगी, बच्चों की शारीरिक क्षमता घटेगी। तो वैसा अगर अपराध ऐसा कोई कानून बन रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। या तो सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, और यदि सेक्स एजुकेशन है बच्चों को दी जा रही है तो 18 साल की मान्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब 18 साल की मान्यता हो जाएगी तो बच्चों में एक अलग तरीके का जुनून हो जाएगा। ज्यादातर लोग इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा मानते हैं और जल्दबाजी से बचने की सलाह देते हैं। कानून में भी 18 से कम उम्र के किशोरों को बच्चा माना गया है और उनकी मर्जी को बेमानी बताया गया है। ये जो शारीरिक संबंध बनाने का जो प्रश्न है वो 18 साल का है, क्योंकि कंसेंट की आयु भी वही है, उसके पहले माइनर कहलाता है, माइनर का कंसेंट कंसेंट नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ लोग संविधान और परिवेश की नजर से इसे जरूरी मानते हुए भी इसे लागू करने के तरीकों पर एतराज जताते हैं। 18 साल से कम उम्र पर अगर कंसेंसुअल सेक्स पर हम रोक लगाते हैं तो हम समझते हैं कि इसमें कुछ जस्टिफिकेशन है, कोई वजन है और इस पर वेटेज देनी चाहिए, लेकिन समाज में इन बातों को ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे देश में दिक्कत हो जाता है कि डिबेट के बिना हम कानून बनाते हैं। यानी सवाल यही है कि कानून बना देना काफी है या कानून बनाने से पहले इसे लेकर जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। रंजन कुमार मंगलम, सहारा समय, पटना।